दोस्तों सन 2001 में सनी देओल की कुल चार फिल्में रिलीज हुई थी तो शाहरुख खान की कुल तीन फिल्में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सन 2001 में शाहरुख खान की कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई थी और सनी देओल की कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई थी, और साथ ही जानेंगे कि सन 2001 में किसने ज्यादा कमाई की थी और बाजी मारी थी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं शाहरुख खान की फिल्मों के बारे में। नंबर एक, वन टू का फोर। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ 64 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 13 करोड़ 83 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की 22वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। नंबर दो, अशोका। इस फिल्म का बजट 12 करोड़ 50 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 28 करोड़ 3 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.5 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की 13वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। नंबर तीन, कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म का बजट 40 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 55 करोड़ 65 लाख कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 136 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ शाहरुख खान की तीन मूवीज का टोटल इंडियन कलेक्शन 73 करोड़ 83 लाख होता है, तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 177 करोड़ 86 लाख होता है। अगर दोस्तों शाहरुख खान की तीन मूवीज का एवरेज इंडियन कलेक्शन देखा जाए तो 24 करोड़ 61 लाख होता है। अब जानते सनी देओल की फिल्मों के बारे में। नंबर एक, फर्ज। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 27 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 20 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की 14th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। नंबर दो, गदर। इस फिल्म का बजट 19 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 77 करोड़ का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 134 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की नंबर वन हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। नंबर तीन, इंडियन। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 24 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 42 करोड़ 61 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। नंबर चार, कसम। इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 75 लाख था। इस फिल्म ने इंडिया में 1 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2 करोड़ 40 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2001 की 42वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ सनी देओल की चार मूवीज का टोटल इंडियन कलेक्शन 113 करोड़ 80 लाख होता है, तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 199 करोड़ 1 लाख होता है। अगर दोस्तों सनी देओल की चार मूवीज का एवरेज इंडियन कलेक्शन देखा जाए तो 28 करोड़ 45 लाख होता है। तो दोस्तों सन 2001 में सनी देओल की फिल्मों ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में कुल 113 करोड़ 80 लाख कमाए थे, तो शाहरुख खान की फिल्मों ने 73 करोड़ 83 लाख कमाए थे। तो दोस्तों इन दोनों एक्टर्स में से सनी देओल ने बाजी मारी थी। अगर दोनों एक्टर्स का पर मूवी एवरेज इंडियन कलेक्शन देखा जाए तो सनी देओल की चार मूवीज का एवरेज इंडियन कलेक्शन 28 करोड़ 45 लाख होता है, तो शाहरुख खान की तीन मूवीज का एवरेज इंडियन कलेक्शन 24 करोड़ 61 लाख होता है। तो दोस्तों एवरेज कलेक्शन के हिसाब से भी सनी देओल ने ही बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों आपके इन दोनों में से फेवरेट एक्टर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।